हेलो एवरीवन, अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि स्टार और डेल्टा कनेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो स्टार डेल्टा कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन ऑफ 3 फेज सिस्टम, मतलब हम यहाँ देखेंगे स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन इन 3 फेज सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे, तो हम जानते हैं पहले स्टार का बात करते हैं। पहले किसका बात करेंगे? स्टार का बात कर रहे हैं। तो स्टार का कनेक्शन कैसे होता है? मान लो ये एक वाइंडिंग है, दूसरा ये वाइंडिंग है, तीसरा ये वाइंडिंग है और एक न्यूट्रल है। ठीक है, तो एक न्यूट्रल हो गया, एक आर हो गया, एक वाई हो गया, एक बी हो गया। इसको स्टार कनेक्शन करते हैं, इसको मतलब वाई कनेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक एक लाइन वोल्टेज होता है, एक फेज वोल्टेज होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वोल्टेज जो लाइन होता है वो √3 × Vp, लाइन वोल्टेज जो होता है √3 × फेज वोल्टेज होता है। ठीक है, लेकिन करंट में क्या होता है, करंट में लाइन करंट इक्वल टू फेज करंट होता है। तो ये हुआ स्टार के बारे में। स्टार के बारे में आपने समझ लिया कि वाई कनेक्शन होता है, इसमें चार कनेक्शन होते हैं, एक न्यूट्रल स्टार RYB, और लाइन वोल्टेज होता है √3 × फेज वोल्टेज होता है, और लाइन करंट फेज करंट यहाँ सेम होता है स्टार में। अब हम डेल्टा के बारे में जानते हैं। ठीक है, डेल्टा में हम जानेंगे, डेल्टा होता है, ये डेल्टा कनेक्शन। इसमें क्या होता है, वाइंडिंग कनेक्शन, एक इधर से होता है, एक इधर से होता है, एक ये होता है। इसको मान लो ए बी और सी। तो डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, स्टार डेल्टा कनेक्शन में फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज जो होता है इक्वल टू फेज वोल्टेज होता है। ठीक है, बट लाइन करंट जो होता है फेज करंट के क्या होता है, लाइन करंट होता है फेज करंट के √3 होता है। ठीक है, जस्ट उल्टा हो गया इसमें, लाइन करंट फेज करंट इसमें सेम होता है डेल्टा में, लेकिन करंट जो लाइन करंट जो होता है √3 ऑफ फेज करंट होता है। ठीक है, तो हमने स्टार और डेल्टा समझ लिया कि क्या है। अब हम जानते हैं डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर क्या होता है। ठीक है, अब डीसी जनरेटर एसी जनरेटर के बारे में हम जानते हैं। अब हम जानते हैं डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर, मीन्स डीसी मोटर। डीसी मोटर का टाइप आपसे कोई भी पूछ सकता है, अगर आप इलेक्ट्रिशियन हो, कि डीसी मोटर क्या होता है। पहले तो डीसी मोटर क्या होता है, डीसी मोटर होता है, इसमें क्या होता है, आर्मेचर टर्मिनल ऑफ एसी मशीन इज कनेक्टेड टू द डीसी वोल्टेज सोर्स, इट्स बिगिन टू रोटेट ऑपरेट लाइक अ मोटर। ठीक है, ये मोटर के थ्रू ऑपरेट होता है। और जनरेटर क्या होता है, जनरेटर में क्या होता है, आर्मेचर ऑफ अ डीसी मशीन इज गिवेन मैकेनिकल इनपुट एंड रोटेट बाय प्राइम मूवर, EMF इंड्यूज इन द आर्मेचर वाइंडिंग एफर अक्रॉस द ब्रशेस एंड बाय द कनेक्शन ऑफ द ब्रशेस टू द लोड करेंट इज ड्रॉन, दिस इज कॉल्ड द ए डीसी मशीन वर्क एज ए जनरेटर। ठीक है, तो पहले हम डीसी मोटर का टाइप जानते हैं। टाइप्स, डीसी मोटर का टाइप जो होता है, एक होता है परमानेंट मैग्नेट मोटर, परमानेंट मैग्नेट मोटर। दूसरा क्या होता है, सेपरेटली सेपरेटली एक्साइटेड
मोटर। और थर्ड क्या होता है? थर्ड होता है सेल्फ एक्साइटेड मोटर, सेल्फ सेल्फ एक्साइटेड मोटर। तो क्या हो गया, एक परमानेंट सेपरेटली और सेल्फ। सेल्फ में भी तीन प्रकार, एक सेपरेटली हो गया, एक सेल्फ हो गया। डीसी मोटर जो हो गया सेपरेटली एक्साइटेड मोटर, और सेल्फ एक्साइटेड मोटर हो गया, और एक परमानेंट मोटर हो गया। तो सेल्फ में भी तीन प्रकार का होता है, सेल्फ में भी तीन प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है? सीरीज, सीरीज मोटर। और दूसरा कौन सा होता है? शंट, शंट मोटर। ठीक है। और थर्ड कौन सा होता है? कंपाउंड, कंपाउंड मोटर। कंपाउंड में भी दो प्रकार का होता है, ठीक है, इसमें भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है कुमुलेटिव, CUMULATIV, कुमुलेटिव। और दूसरा कौन सा होता है? डिफरेंशियल, ठीक है, दूसरा डिफरेंशियल, पहला कुमुलेटिव। तो हमने डीसी मोटर का टाइप समझ लिया, तीन प्रकार का होता है, परमानेंट सेपरेटरी एंड सेल्फ। सेल्फ में भी तीन होता है, सीरीज, शंट और कंपाउंड। कंपाउंड में दो होता है, कुमुलेटिव एंड डिफरेंशियल। ठीक है, हमने इतना कवर कर लिया है। अब जानते हैं डीसी जनरेटर के बारे में। डीसी जनरेटर ये कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं दो प्रकार के, सेपरेटली एक होता है सेल्फ एक्साइटेड। तो जनरेटर डीसी जनरेटर दो प्रकार हो गया, सेपरेटली एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड। सेल्फ में भी वही दो प्रकार का होता है जो आपने उसमें बताया था, सीरीज शंट कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड में भी कौन कौन सा? कुमुलेटिव और दूसरा डिफरेंशियल। ठीक है, और कुमुलेटिव डिफरेंशियल होता है, इसमें भी क्या होता है, दो प्रकार का, कौन कौन सा आता है? डिफरेंशियल में एक लॉन्ग शंट और दूसरा शॉर्ट शंट। एक लॉन्ग हो गया, एक शॉर्ट हो गया। ठीक है, डीसी जनरेटर में सेपरेटली दो प्रकार का हो गया, एक सेपरेटली, एक सेल्फ। सेल्फ में तीन प्रकार का, सीरीज, शंट और कंपाउंड। कंपाउंड में दो, कम्युनिटी एंड डिफरेंशियल। और डिफरेंशियल में कितना? लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट हो गया। ठीक है, तो ये आपका डीसी जनरेटर कवर हो गया, और डीसी मोटर कवर हो गया, और स्टार और डेल्टा कनेक्शन भी कवर हो गया। ठीक है, ओके।